पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वर्ग लोक के बारे में। थियोसफी के अंदर स्वर्ग लोक किसको कहा गया है? हमारी जब शरीर की मृत्यु होती है, ये अन्नमय कोश की मृत्यु होती है, फिजिकल बॉडी की जो मृत्यु होती है, जिसको हमने पहली मृत्यु कहा है, इसके बाद कुछ समय, कुछ साल हम लोग एस्ट्रल लाइफ बिताते हैं, या एस्ट्रल जगत के अंदर हम लोग अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, एस्ट्रल बॉडी के अंदर। ये सब बात हमने पिछली बारी करी थी। फिर जब इस एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ होती है, फिर हम एक और नए लोक के अंदर पहुंचते हैं, जिसको हमने स्वर्ग लोक देवाचन कहा है। ये विचारों की दुनिया है, और इस दुनिया के अंदर जो हमारी चेतना है वो सिर्फ विचारों की होती है। जैसे कि हम अपने मन के अंदर जी रहे हों, शरीर तो चले गया, हमारे जो भावना शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, वो भी चली गई। अब फ़र्क क्या आया? फ़र्क ये आया कि अब जो है इस शरीर के अंदर जो जागृत अवस्था है वो अंतर्मुखी है। यानी जो व्यक्ति इस लोक के अंदर होता है, उसको बाहर के जगत के अंदर, इसी विचारों के जगत के अंदर बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। जैसे कि एक कमरे में हम बंद हो जाएं और उस कमरे के अंदर जो कुछ घट रहा है सिर्फ वही हमारी ज़िंदगी है। तो ये जो लोक के अंदर हमारी लाइफ होती है, इसके अंदर जो बाहर का जगत है, कमरे से बाहर का, इसके बारे में हमारे को कुछ नहीं पता होता। हम अंतर्मुखी होते हैं। तो ये सबसे पहले एक फ़र्क है हमारी जो फिज़िकल लाइफ है और जो हमारी एस्ट्रल लाइफ है। फिज़िकल लाइफ में हम लोग दुनिया को देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखते हैं, अपने को जानते हैं और दुनिया में जो हो रहा है उसको जानते हैं। मैं और जो मैं नहीं हूँ, इन दोनों के बारे में मुझे पता होता है। आई एंड नॉट आई, सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, एक फ़र्क, एक बाउंड्री होती है जिसके बारे में हमें पता होता है। एस्ट्रल लाइफ में भी हमें मालूम होता है, हालांकि शरीर बदल जाता है, अब ये फिज़िकल बॉडी नहीं रहती है, मगर जो एस्ट्रल बॉडी होती है उसके अंदर भी मैं डिस्टिंग्विश, फ़र्क कर सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और बाहर के जगत में क्या हो रहा है, एस्ट्रल प्लेन पे क्या हो रहा है। जैसे ही एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, फिर अब व्यक्ति जब दोबारा चेतना में आता है, थोड़े ही क्षणों के अंदर वो चेतना में आ जाता है, मगर अब वो पाता है अपने आप को एक ऐसे वातावरण में जो कि उसका खुद का निर्मित हुआ हुआ है। अब हमें बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं बताया गया है। और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये थियोसफिकल जो लीडर्स रहे हैं हमारे, 6 का मैंने जिक्र करा है, उन्होंने खुद अपने आप स्वयं जाना है, खुद की उनकी रिसर्च है, खुद की उनके दिव्य दृष्टि, खुद का उनका अपना एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग जो उनके हुई है, उसके बेस पे उन्होंने इस बारे में बात करी है। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने रिसर्च करी, जो उनके गुरुओं ने उनको समझाया और जो उनको समझ में आया, और उस जगत के बारे में जब उनको पूरा ज्ञान हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि मैं अगर एक जगह पर कई साल रहूँ तो उस जगत के बारे में, उस जगह के बारे में, उस देश के बारे में, उस सिटी के बारे में, उस नगर के बारे में, उस इलाके के बारे में, मोहल्ले के बारे में मुझे काफ़ी हद तक मालूम हो जाता है। तो मैं जब आपको बताऊंगा, क्योंकि आप तो कभी आए नहीं इस मोहल्ले में, तो मेरी जो बोलने का जो एक्सपीरियंस का जो मेरा जो वचन होंगे उस जगह के बारे में, वो वैलिड होंगे। और अगर वही चीज़ कुछ और लोग भी बोलें, तो हम कहेंगे कि हाँ, साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन अलग अलग लोगों की सेम थी। तो ऐसी थियोसफिकल रिसर्चर्स जो रहे हैं, जो पिछले 100-150 साल के अंदर रहे हैं, उन्होंने जो बताया है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे।
कि क्या होता है इस मानसिक जगत के अंदर जब हम मानसिक शरीर के अंदर होते हैं या मनोमय कोश के एक टुकड़े में होते हैं जिसको हमने मेंटल बॉडी कहा है थियोसफी में। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति अब जैसे मैंने कहा एक कमरे में अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कमरे में बंद हो जाता है, मगर उसको नहीं एहसास होता कि वह कमरे के अंदर है। उसको लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, वो विचारों का जगत है। अब यहाँ क्या घटता है, उसकी ज़िंदगी कैसे घटती है यहाँ पे, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अपनी फिजिकल लाइफ में और अपनी एस्ट्रल लाइफ के अंदर उस व्यक्ति ने जो जो कर्म करे हैं, उन कर्मों का वो हिस्सा जो कि अनसेल्फिश था, यानी खुद के फायदे के लिए जो नहीं करा गया, खुद के फायदे के लिए जो नहीं सोचा गया, खुद के फायदे के लिए जो नहीं फील करा गया, भावनाएं वैसी नहीं रहीं, इमोशंस वैसे नहीं रहे, और खुद के फायदे के लिए जो बोला नहीं गया, यानी किसी और के लिए कुछ कर्म करे गए हों, इस भाव से करे गए हों कि किसी को फायदा होगा, या इस भाव से करे गए हों कि जैसे कोई किसी को अर्पित करता है, समर्पित होता है, इस भाव से करे गए हों, तो ये जो कर्म करे जाते हैं, जो अनसेल्फिश हम लोग काम करते हैं अपनी फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में, यानी कि पहली मृत्यु से पहले और दूसरी मृत्यु से पहले जो भी हम कर्म करते हैं, उनके अंदर जो अनसेल्फिश वाला हिस्सा होता है, वो जो कॉजेस, जो कारण, जो कर्म हमने करे हैं, वो जो जेनरेट होते हैं, उनका भुगतान नहीं हो सकता उस फिजिकल के अंदर और एस्ट्रल के अंदर। उसका भुगतान होता है इस मानसिक जगत में। भुगतान का मतलब उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे अब आके दिखाई देते हैं, या यहाँ पे उनको इफेक्ट्स को भोगता है, ऐसे समझे। अब इस स्वर्ग में, इसको अभी एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल्स में, पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लें, फिर जैसे एग्जांपल्स आएंगे वैसे ही हमारे को और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे इस स्वर्ग लोक में जहाँ पे ये व्यक्ति आ चुका है सेकेंड डेथ के बाद में, यहाँ चार तल हैं, और इन अलग अलग तलों के ऊपर वो जिस प्रकार के अपने अनसेल्फिश कर्म करके आया है, उस प्रकार के इन तलों के ऊपर वो कर्म को भोगता है, उनके इफ़ेक्ट्स को भोगता है। तो सबसे निचला जो तल है वो है उस व्यक्ति के लिए जो कि अपने नॉर्मल जो लाइफ थी, जिसको हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी, फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में, सिर्फ समर्पित था या उसके अंदर प्रेम भाव था अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए। जैसे कि अगर हम देखें एक एग्जांपल के रूप में, एक छोटा सा दुकानदार है, मान लीजिए किराने की दुकान चलाता है, पान की दुकान चलाता है, छोटा दुकानदार है, या एक ऑफिस में ऑफिस का क्लर्क है। ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नीचे का कोई हिस्सा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिंपल व्यक्ति है, सिंपल तालीम है, सिंपल लाइफ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा मेंटल इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ज़्यादा इमोशनल एवोल्यूशन या विकास नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो कि लाइफ को बहुत सिंपली देखता है कि भाई मुझे अपना कर्म करना है, अपना जो भी मैं काम धंधा करता हूँ वो करना है, जो पैसा अर्जित होगा उससे अपना परिवार चलाना है। ऐसे व्यक्ति में परिवार, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने इन लॉज, अपने खुद के माँ बाप, अपने जो भी कजन्स हो गए और बड़े परिवार के अंदर, अपने पड़ोसी के लिए जो उसका एक अच्छा भाव होता है, एक भाव जो कि अनसेल्फिश है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो रिसर्चर्स ने देखा था वो ये था अपने बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल बताया, जब उन्होंने रिसर्च करी और देखा इस जगत के अंदर, तो उन्होंने पाया, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक छोटा सा दुकानदार है, वो सब्ज़ी बेचता है, और उसकी एक बेटी है, उस बेटी के लिए उसके अंदर एक अनसेल्फिश भाव है कि मेरी बेटी अच्छा करे ज़िंदगी के अंदर, उसके पढ़ाई हो, वो अच्छी नौकरी पाए और अच्छे घर के अंदर ब्याह के जाए, ऐसी उसकी सोच थी, इससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाता था, मगर उसके अंदर एक अनसेल्फिश भाव था पिता के नाम पे कि जैसे मैं
उसके लिए चाहता हूँ अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, उसको खुद कुछ नहीं चाहिए था। तो ये जो भाव था, ये भाव, ये जो कारण बना उसके अंदर, ये इसका इफेक्ट वो इस मानसिक जगत के अंदर भोगेगा। क्या देखेगा वो, जैसे ही वो इस जगत में आएगा अपनी असल बॉडी की डेथ के बाद में, तो यहाँ पर वो उस बेटी को बड़ा होता हुआ देखेगा। जैसे वो सोचता था कि ऐसे हो, वैसे ही उसके सामने उसकी बेटी बड़ी होगी। वो जो आइडियल सोचता था कि मेरी ऐसी लड़की की ज़िंदगी हो, मेरे परिवार की ऐसी ज़िंदगी हो, हम ऐसे बड़ा करें, मेरा बच्चा ऐसे बड़ा हो, ऐसे वो खिले और उसके संपूर्ण ज़िंदगी में आनंद ही आनंद हो, ऐसे ही वो लाइफ को जिएगा। हालांकि क्योंकि ये मानसिक जगत है, यहाँ पे वो एक्चुअल फिज़िकल लाइफ तो नहीं जी रहे हैं, मगर उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो फिज़िकली वो हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, थोड़ा सा हमें, कई लोगों को समझने में मुश्किल होगी कि मानसिक जगत में हम फिज़िकल लाइफ को देखेंगे होते हुए। अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो मुश्किल नहीं आएगी कि जब हम बैठे बैठे सपने लेते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो भी तो हम ऐसे सोच रहे होते हैं। मगर डे ड्रीमिंग और इस जगत के अंदर जो भोग रहा है, अनुभव हो रहा है, उसमें बहुत फ़र्क है। डे ड्रीमिंग में हमारा काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, या कोई भी सपने के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, उसमें उतनी रियलिटी नहीं लगती। और जबकि इस जगत के अंदर जो वो स्वर्ग लोक के अंदर हमने कहा है व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत रियलिटी लगती है, क्योंकि वो सामने जी रहा है उस लाइफ को। तो उसके लिए ये सबसे आनंद का जो क्षण है, जो ज़िंदगी है, वो उसके लिए यही है। इसलिए तो इसको स्वर्ग लोक कहा है। यहाँ पूर्ण पूर्ण आनंद ही होता है, जितना उसकी कैपेसिटी है उसको भोगने की। इसमें एक चीज़ और हमें समझनी है कि ये हम कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, जब भी कोई कर्म करता है अपनी फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ के अंदर, तो वो हमेशा मिक्स्ड कर्म करता है, सेल्फिश एंड अनसेल्फिश दोनों। प्योरली किसी के लिए अनसेल्फिश नहीं कर सकता, और प्योरली सेल्फिश भी बहुत मुश्किल है करना। तो जब एक ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा करता है, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा उसका ऐसी भाव रहेगा प्रेम, कभी कभी उसे गुस्सा भी आएगा बच्चे पे, कभी वो मार भी सकता है बच्चे को, मगर उस ज़िंदगी के अंदर जो वो जिएगा बच्चे के साथ में, कुछ ऐसे क्षण, कुछ उसके अंदर जो उस बच्चे के लिए भाव है अच्छा, उसका फलित, उसका जो फल है, यहाँ पे आएगा स्वर्गलोक में। और जितना उसकी कैपेसिटी है, उतना ही वो उसको भोगेगा। जब वो ऐसा भोगेगा, तो उस स्वर्गलोक के अंदर उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी अनसेल्फिश अफेक्शन की, प्रेम भाव की। तो हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है इस तरीके से जो बनाया गया है, कि हम फिजिकल लाइफ जीते हैं, मृत्यु होती है, फिर एस्ट्रल लाइफ जीते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर ये स्वर्ग की लाइफ, मेंटल लाइफ जीते हैं, और इस लाइफ के अंदर अंतर्मुखी होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है कि मैं और बाहर की दुनिया का कोई फ़र्क नहीं होता। वो व्यक्ति बस जीना चालू कर देता है, वो अपने आप को पाता है कि वो इस सिचुएशन में है और वो भोग रहा है उसको, आनंद को। तो एक हमने जैसे पिछली बारी बात करी कि 60-70 साल का एक नॉर्मल कल्चर्ड सिविलाइज्ड व्यक्ति जब अपनी लाइफ को पूरा करता है, 30-40 साल की एसल लाइफ को पूरा करता है, तो करीबन 700 से 1200 साल का उसका स्वर्ग की लाइफ होती है, करीबन। और इस लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ों को भोगता है, उस सारे एक्सपीरियंसेस को भोगता है जो उसने अनसेल्फिशली क्रिएट करे होते हैं। तो अब ये सबसे निचला तल है जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए जो उसका एक प्रेम भाव है, वो जब आता है तो उसको ये वाला स्वर्ग लोक मिलता है, जो कि एक आनंद देता है, मगर आनंद का जो लेवल है, जो तल है, वो अभी काफ़ी नीचे है। एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए तो है ही है उसके अंदर प्रेम भाव, मगर साथ ही साथ उसके अंदर भक्ति भाव भी आ गया है,
हम तो जानते हैं कितने लोग जो मंदिर जाते हैं और उनके अंदर भक्ति भाव है उस भगवान के लिए जिसका एक आकार है, तो साकार रूप में जब वो दिव्यता को देखता है, भगवत्ता को देखता है, भगवान को देखता है, या फिर उसका एक समर्पित भाव है किसी अपने परिवार के व्यक्ति के लिए, जैसे कि कोई अपने किसी बुज़ुर्ग के लिए बहुत समर्पित हो, अपने पिता के लिए बहुत समर्पित हो, अपने माता पिता दोनों के लिए बहुत समर्पित हो, अपने गुरु के लिए समर्पित हो, अपने देश के जो लीडर हैं उनके लिए समर्पित हो, अपने देश के लिए समर्पित हो, किसी एक व्यक्ति जिसका आकार है उसके लिए समर्पित हो, तो ऐसा व्यक्ति साकार रूप के अंदर किसी के लिए भी भक्ति भाव या भक्त हो, जब वो ऐसा रखता है और उसके अंदर ये अनसेल्फिश भक्ति जितनी आती है उसके अपने गुरु या अपने जो जो भी भगवान जिसको मानता है वो आती है, तो उसको वो भोगता है इस मेंटल लाइफ में, स्वर्ग लोक में, दोनों मृत्युओं के बाद। अब वो अपने आप को पाता है उस भगवान के सामने, जैसे कि मान लीजिए मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ, तो मैं अपने आप को पाऊंगा कि जो मैंने विष्णु जी का रूप समझा अपनी लाइफ में, फिजिकल लाइफ, एस्ट्रल लाइफ में, वही मेरे सामने है, खुद साक्षात विष्णु जी हैं, और मैं उनके भक्ति भाव में पूरा लीन हो गया हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। ये जो आनंद, ये जो रस उस व्यक्ति के अंदर जो होता है वो उसको पूरा भोगता है, और वो ऐसे तल जो कि हमने पिछली जो बात करी उस दुकानदार की, उससे ऊपर का तल है, क्योंकि इसके अंदर आनंद का भाव और ज़्यादा है, समर्पण का भाव और ज़्यादा है। और यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च करी, इन्होंने पाया कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं, इनके अंदर जो साकार रूप में भगवान को, जैसे अभी हमने विष्णु जी की बात करी, कृष्ण जी की बात करी, श्री राम की बात करी, या फिर हम बोलें कि शिव जी, कोई भी साकार रूप के अंदर जो भगवान को हम पूजते हैं और अंश के अंदर हमारा अनसेल्फिश भाव है, वो लोग अपने आप को यहाँ पाते हैं। और भी हैं, जैसे क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को पूजते हैं, बुद्धिस्ट हैं जो कि बुद्धा को पूजते हैं, समझने की कोशिश कम होती है, पूजने का, भक्ति का भाव, यहाँ पे ब्लाइंड डिवोशन की बात हो रही है, फेथफुलनेस है मगर उसके अंदर अभी डायरेक्शन नहीं है, तो वो जो एक ब्लाइंड फेथ है वो यहाँ पे होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने देखा इस स्थल पे, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने, जैसे भी मैंने बोला विष्णु भगवान वाले, उन्होंने देखा एक को, फिर ऐसे बुद्धिस्ट को देखा, ऐसे क्रिश्चियंस को देखा, तो उन्होंने पाया कि ये काफ़ी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं कि जो तीसरा जो तल आता है उसके अंदर भक्ति तो है मगर वो भक्ति किसी निराकार के लिए है, और साथ ही साथ ये जो भक्ति है ये भक्ति एक्शन में आती है, मतलब कि अपने भक्ति भाव के लिए वो सर्विस करता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है, इसको हम समझते हैं। अपनी फिजिकल लाइफ और एस्ट्रल लाइफ में ऐसा व्यक्ति जो कि मान लीजिए क्रिश्चियन है, जैसे इन्होंने देखा रिसर्च के अंदर, और उसने देखा कि भाई ये जो क्रिश्चियन है ये कहता है मैं अपने जो हमारे जो क्राइस्ट रहे हैं, जीसस क्राइस्ट, इन्होंने दो लोगों की बहुत कोशिश करी कि इन लोगों का जो उद्धार हो, ये ऊपर उठें, तो उसने बोला मैं भी ऐसे करूँगा, मैं गरीबी हटाने की कोशिश करूँगा भगवान क्राइस्ट के नाम पे, और मैं लोगों को एजुकेशन दूंगा उनके नाम पे, तो उनके लिए जो कर रहा था। ऐसे ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज, जो नंस होती हैं, जैसे हमने मदर टेरेसा को देखा, जो कि सर्विस करते हैं भगवान के नाम पे, स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके अंदर जो अनसेल्फिश वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर फिर आता है, वो उसको यहाँ पे पूरा होते हुए देखते हैं। जो रिसर्च करी उन्होंने पाया कि एक ऐसा एक राजकुमार था हमारे भारत के अंदर जो कि राम राज्य चाहता था अपनी प्रजा के लिए,
अपने छोटे से रियासत, अपने जो छोटा सा किंगडम था उसके अंदर वो चाहता था, जैसे श्री राम चलाते थे राम राज्य होता था, वो भी चाहता था कि उसके भी एरिया के अंदर किंगडम में राम राज्य की ही स्थापना हो। मगर एक्चुअल लाइफ में तो वो कर नहीं पाया। यहाँ पे उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति ने बिल्कुल जैसे वो चाहता था फिजिकल लाइफ में, अब वो मानसिक जगत में उसको होता हुआ देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर से था कि मेरी प्रजा खुश हो और मैं एक आइडियल किंग हूँ। तो आदर्श राजा की तरह उसने अपने आप को देखा और आदर्श प्रजा को और सब सुख सुविधा और पूरा सिस्टम उसने जो है वो बनाया। तो ये वाला एक ऐसा तल है जिसके अंदर समर्पण तो होता है, पर समर्पण कोई एक्शन लेके आता है। तो ये एक्शन जो लेके आता है ये थोड़ा सा और ऊंचा है और गहराई के अंदर और ज़्यादा जो है व्यक्ति को आनंद देता है, प्रदान करता है। अब हम आते हैं चार और किस्म के अनसेल्फिश कर्मों पे, जो कि अब हाईएस्ट लेवल के जो स्वर्ग को या स्वर्ग लोक में जो मेंटल लाइफ है उसमें जो आनंद देते हैं। एक तो है कि व्यक्ति जब करता है कुछ काम तो वो समर्पित है स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए और उसको फैलाने के लिए। वो पता करता है कि भाई ये संसार कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, या जो उसकी समझ में आता है कि ऐसा चल रहा होगा वो उसको औरों को भी बताता है, पर उसके अंदर कुछ स्वयं का फायदे का कोई भाव नहीं होता। तो स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करके और उसको डिसिमिनेट करना, फैलाना, मगर बिना किसी सेल्फिशनेस के। जो अनसेल्फिश वाला पार्ट होगा वो ही कैरी फॉरवर्ड होगा मानसिक जगत के लिए। मान लीजिए मैं फैलाना चाहता हूँ, सेल्फिशनेस मेरे अंदर है, मैं चाहता हूँ मैं एक आश्रम बनाऊँ, मैं एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, मैं उसका हेड हूं, मुझे सब लोग जाने पहचाने, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे खूब डोनेशन आए, मैं खूब सारे आश्रमों को खोलूं, मैं खूब टीवी पे आऊं, मैं खूब प्रवचन दूं, मेरे नाम पे किताबें हों। ये जो भाव सेल्फिशनेस का है वो इन दो उस इसका जो कर्म का फल आएगा वो फिजिकल और एस्ट्रल में ही आएगा। मगर अगर उस ऐसे व्यक्ति के अंदर वाकई में है कि मैं लोगों को कुछ अच्छा दूं और उससे लोगों को फायदा हो, तो ये जो अनसेल्फिश वाला पार्ट है, हो सकता है दोनों चीज़ एक साथ चल रही हूँ, अनसेल्फिश वाला पार्ट है वही फलित होगा मेंटल लाइफ के अंदर। फिर इस तल पे मेंटल लाइफ के स्वर्ग लोक के देवाचन के वो लोग भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी के अंदर डीप जाते हैं, बहुत गहरे में जाते हैं। तो वो फिलॉसफिकल ट्रूथ्स के बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लोग जो गए, जो ग्रीक फिलॉसफर्स थे, जो हमारी इंडिया की फिलॉसफी है उसके बारे में बहुत चिंतन मनन करते हैं। फिर साइंटिस्ट आते हैं जो क्वांटम और थियोरेटिकल फिज़िक्स, बहुत गूढ़ सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जिनकी इंक्वायरी होती है उसमें जाते हैं। मगर सब उनका जो फलित होगी मेंटल लाइफ में वो वही होगी जो कि अनसेल्फिश है। अगर अंदर कुछ उनके कुछ सेल्फिशनेस है कि मैं अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करूं तो उससे मेरा नाम हो, नोबल प्राइज़ मिले, तो वो ठीक नहीं है। तो इसके बाद में फिर अगला जो आता है वो है कि जो व्यक्ति सिर्फ सोशल सर्विस करता है, सर्विस फॉर द सेक ऑफ सर्विस, और दूसरे आते हैं जो कि आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशंस हो गए, पेंटर्स हो गए, स्कल्प्टर्स हो गए, जो लोग अपने कला के अंदर इतना खो जाते हैं कि वो उनको अब लेना देना नहीं कि कौन सुन रहा है, कितना अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये वाला हिस्सा वो कैरी फॉरवर्ड होगा मेंटल लाइफ में। और जो सर्विस करते हैं ये ना देखते हुए कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, वो वाला हिस्सा जो है जो अनसेल्फिश है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये जो हाईएस्ट तल है इसके अंदर जो सेल्फिशनेस नहीं होती जिनके अंदर सर्विस करते हुए, आर्टिस्ट जो होते हैं, फिलॉसफर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं,
और जो स्पिरिचुअल नॉलेज को सीख करते हैं और फैलाते हैं, ऐसे लोग हाईएस्ट तल जो होता है इस मेंटल लाइफ का, जो पूर्ण आनंद जो ले सकते हैं, उठा सकते हैं, मिलता है सबसे गहरा जो उनको आनंद मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। तो हमने देखा कि 7 प्रकार के जो हम कहेंगे कर्म हैं, जिनके अंदर अनसेल्फिशनेस है, जो करीबन सबको कवर कर देती है, ये जो है हमारे को इस स्वर्ग लोक को एक्सपीरियंस करवाती है और यहाँ के आनंद को दिलाती है। अब हम इससे अगले एपिसोड में इस बात को समझेंगे कि ये सिस्टम प्रकृति ने क्यों बनाया कि मानसिक जगत के अंदर हम अंतर्मुखी होके ये जो अनसेल्फिश हमारे कर्म रहे हैं फिजिकल लाइफ में और एस्ट्रल लाइफ में, हम यहाँ पे क्यों भोगते हैं और इससे क्या अचीव होता है और क्या मिलता है, और ये जो रीइंकार्नेशन की साइकिल है इसके अंदर इसका रोल क्या है। तो इस सब को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।